महोदय, देश में भावनात्मक एकता की परिकल्पना की जाती है, उसके संबंध में बहुत कुछ कहा भी जाता है। कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो भावनात्मक एकता की कड़ियों को मजबूत करने के काम में लगी हुई हैं? ऐसी कौन सी भावना है जो सबको एक सूत्र में बांध कर रख सकती है? क्या यह काम आर्थिक विकास के माध्यम से या सामाजिक न्याय की स्थापना से या फिर सद्भावना दिवस के मनाने से पूरा हो जाएगा, या फिर अंग्रेजी भाषा यह काम करने में समर्थ हो जाएगी? आर्थिक विकास से सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, सामाजिक न्याय से असमानता समाप्त हो जाएगी। अंग्रेजी भी यह काम ना कर सकेगी, इसलिए कि उसका जन्म इस धरती की कोख से नहीं हुआ। भावनात्मक एकता की कड़ियों को मजबूत करने का काम हिंदी ही कर सकती है। आज हिंदी जनभाषा बन चुकी है और उसकी जड़ें जनमानस की भावनाओं तक पहुंच चुकी हैं। इन्हीं भावनाओं की एकता ही भावनात्मक एकता है। ऐसी बात नहीं कि आज भावनात्मक एकता नहीं है, वह है, और आवश्यकता इस बात की है कि उसे अक्षुण बनाए रखा जाए। इस दायित्व को पूरा करने में हिंदी सेवी संस्थाओं की अमर देन रही है। स्वतंत्रता के बाद देश में बदलाव आया। बदली हुई परिस्थितियों में हिंदी सेवी संस्थाओं का दायित्व और भी बढ़ गया। आज कई एक राज्यों में हिंदी को सरकारी पाठ्यक्रम में स्थान मिल चुका है, पर कुछ राज्यों में अभी भी हिंदी शिक्षा का विषय नहीं है। अहिंदी क्षेत्रों में हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी को तृतीय स्थान प्राप्त है, पर अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी के पढ़ाई के घंटे कम होते हैं। कुछ राज्यों में हिंदी बोर्ड की परीक्षा का विषय नहीं है और कुछ राज्यों में केवल कम से कम 20 अंक ले लेना पर्याप्त हो जाता है। अतः हिंदी को द्वितीय भाषा का स्थान प्राप्त होते हुए भी उसकी बड़ी दयनीय स्थिति है। विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण की समुचित व्यवस्था है, पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सीमित होती है। अतएव आज विभिन्न हिंदी सेवी संस्थाओं की परीक्षाओं में लाखों की संख्या में परीक्षार्थी भाग लेते हैं। इन संस्थाओं के स्नातक भाषा और ज्ञान में विश्वविद्यालयों के स्नातकों से कम नहीं होते। अतः आज हिंदी सेवा संस्थाएं इस अभाव की पूर्ति करती हैं, वे उनकी पूरक हैं। महोदय, अधिकतर हिंदी भाषा का प्रचार का माध्यम उनकी परीक्षाएं हैं। इन परीक्षाओं की प्रतिमानीकरण का जब प्रश्न उठ खड़ा होता है तो उनकी पवित्रता, व्यवस्था और संचालन को लेकर नाना प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। आरोपों का जहां तक प्रश्न है, वह हिंदी परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं भी संदेहास्पद हो गई हैं। परीक्षाओं में छुरा दिखाकर नकल मारना, उत्तरों को लिखना और उत्तर पुस्तिकाओं को बदल देना तो एक आम बात हो गई है। सरकारी और विश्वविद्यालयों की परीक्षा व्यवस्था पर लाखों रुपए व्यय करने पर भी उसकी पवित्रता जब बनाए नहीं रखी जा सकती, तब हिंदी परीक्षाओं की प्रामाणिकता पर लगाया जाने वाला आरोप बेकार सा लगता है। हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य सिर्फ भाषा मात्र का कार्य नहीं है, वह भारतीयता के उन्नयन एवं विकास का भी कार्य है। हिंदी एवं भारतीय संस्कृति को बराबर
उजागर करना भी मुख्य कार्य है। हिंदी जन आंदोलन की भाषा बनी। जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए हिंदी को राष्ट्र के नेताओं ने अपनाया। राष्ट्रीय नेताओं के आदर्शों को अपनाकर हिंदी का प्रचार प्रसार देश भर में फैला और अबाध गति से चल रहा है। आज की स्थिति में हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के कार्यकर्ताओं, प्रेमियों और साहित्यकारों को और भी सजग होकर कार्य करने की आवश्यकता है। अन्यथा हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य, जो पिछले 85 वर्षों से भी अधिक समय में किया जा रहा है, उसमें कहीं शिथिलता ना आ जाए। हिंदी एवं भारतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए पहले से अधिक जागरूक होना चाहिए। आज देश में आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की स्थिति का दौर चल रहा है। इसी उदारीकरण के साथ विदेशी कंपनियां, विदेशी बैंक भारत में अपना प्रवेश कर रहे हैं, अपना पूंजी निवेश बढ़ा रहे हैं और नई कंपनियां, विदेशी बैंक भारत में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। विदेशी कंपनियां अपना पूंजी निवेश बढ़ा रही हैं, नई कंपनियां लग रही हैं, अर्थात भारत में नई औद्योगिक नीति जोर पकड़ती जा रही है। इसके फलस्वरूप भारत में विदेशी माल की खपत बढ़ेगी, प्रचार बढ़ेगा, भारत में निर्मित माल फिर विदेशों में भेजने का क्रम चलेगा। वर्तमान में हमने गैट समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इन सभी स्थितियों में हमारा विश्व व्यापार, लेन देन, पत्राचार अंग्रेजी माध्यम से चलेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि यह सबके ऊपर लागू होती है। जितनी भी चीज़ें हैं, देश की जमीन है, धरती है, कल कारखाने हैं, लाइसेंस हैं, परमिट हैं, एजेंसियां हैं, दुकानें हैं, मकान हैं, फ्लैट हैं, प्लाट हैं, शासन प्रशासन, शिक्षा दीक्षा, इन सब से वंचित रहे ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, और आज भी सारे देश में जुल्म अत्याचार के शिकार हैं।